राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़ स्वरूप की एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगी जिसमें भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक ऐसा चमत्कार किया जिसे हर कोई देखता रह गया। तो श्री द्वारकापुरी के समीप ही डाकोर नाम का एक गांव है, वहां श्री रामदास जी नामक एक भक्त रहते थे। वे प्रति एकादशी रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे। जब उनका शरीर वृद्ध हो गया तो भगवान ने कहा कि घर पर ही जागरण कीर्तन कर लिया करो। ठाकुर जी के बाद उन्होंने ना मानी। तब भक्त की दृढ़ता देखकर भाव में भर कर भगवान बोले, यहाँ आने में तुम्हें जो कष्ट होता है वह मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं मंदिर से तुम्हारी एकादशी को गाड़ी ले आने पीछे की ओर की खिड़की खोल दूंगा, तुम मुझे गोद में भरकर उठाकर ले जाना व गाड़ी में बैठाकर शीघ्र ही चल देना। भक्त रामदास ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए वे गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी ने सोचा रामदास जी वृद्ध हो गए हैं इसीलिए गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। एकादशी की रात को जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। श्री ठाकुर जी के विग्रह से आभूषण उतार कर वहीं रख दिए। इनको तो भगवान से सच्चा प्रेम था, आभूषण से क्या। छोड़ जी प्रातः काल जब पुजारियों ने देखा कि मंदिर तो सूना पड़ा है, लोग समझ गए रामदास जी गाड़ी लाए थे, उसी में ठाकुर जी को ले गए। पुजारियों ने रामदास जी का पीछा किया। उनको आते देख श्री रामदास जी ने कहा, अब कौन सा उपाय करना चाहिए भगवान। तब भगवान ने कहा, मुझे इस नजदीक वाली बावली में बैठा दो। भक्त ने उनकी आज्ञा मानकर सुख पूर्वक ठाकुर जी को बावली में बैठा दिया। पुजारियों ने रामदास जी को पकड़ा, उन्हें खूब मारा जिससे रामदास जी के शरीर में बहुत से घाव हो गए। भक्त को मार मार कर जब पुजारी लोगों ने गाड़ी व आसपास का क्षेत्र देखा, भगवान को ढूंढा, भगवान ना मिले, वे सभी पछताकर बोले, ही मार दिया। उनमें से एक रामदास जी को इस ओर से आते देख, हो सकता है इन्होंने वही मूर्ति छुपा दी हो, चलो वही जाकर देखते हैं। सभी लोगों ने बावली में जाकर देखा तो भगवान मिल गए, लेकिन उस जिसका जल खून से लाल हो गया था। तब श्री भगवान ने बोला, तुम लोग ने मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर ले लिया, इसलिए मेरे शरीर से खून बह रहा है, अब मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने दूसरी मूर्ति जो उसी स्थान पर थी वो बता दी और ले जाकर मंदिर में स्थापित करो, मैं और अपनी जीविका के लिए मूर्ति के बराबर सोना रामदास जी से ले लो और वापस चले जाओ। पुजारी लोभवश तैयार हो गए और बोले, ठीक है प्रभु, तौल दीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास तराजू बांध कर मुझे तौल दो। रामदास जी की पत्नी के कान में एक छोटी सी बाली थी, उन्होंने उसी से भगवान को तौल दिया और भगवान की महिमा दिखिए, भगवान उसी से तुल गए। पुजारी शर्मिंदा होकर अपने घर को चले गए। श्री रणछोड़ जी घर में ही विराजित हो गए। इस प्रसंग को भक्ति का प्रताप कहा गया है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट प्रभु ने अपने ऊपर ले ली, तब से उनका नाम आयुध छत भी हो गया। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि भगवान और भक्त यदि भक्ति करें तो एक ही हैं, इसके लिए उन्होंने चोट का सहन कर लिया, अन्यथा भगवान को कौन चोट पहुंचा सकता है। भगवान को ही डाकू की तरह लूट लाने व रामदास जी के गाँव का नाम डाकोर पड़ गया। भक्त रामदास जी के वंशज स्वयं को भगवान का डाकू कहलाने में अपना गौरव मानते हैं। जो भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा के कोटि कोटि आभूषणों से न तुले, वे एक स्वर्ण की छोटी सी बाली से तुल गए। आज भी उस चोट के लिए भगवान श्री रणछोड़ जी को पट्टी बांधी जाती है जो उन्होंने अपने भक्त के लिए सही। धन्य है भक्त रामदास जी जिनकी भक्ति ने भगवान के हृदय को भी जीत लिया। जय रणछोड़ भगवान की। जय श्री कृष्ण।